नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर OMS न्यूज में। दोस्तों आज हम जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी में DTC ने शुरू की बस सेवा, सिर्फ 20 यात्रियों को मिल सकेगी यात्रा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में संभल के सपा नेता और उसके बेटी की गोली मारकर की गई हत्या, आरोपी फरार। इसी के साथ जानेंगे आज की इस बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, 12,000 बसों से वापस लाए जाएंगे प्रवासी मजदूर। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की दवा को लेकर IIT दिल्ली ने दी खुशखबरी, अश्वगंधा से COVID-19 का इलाज संभव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ओपन कर लें, जिससे कि आने वाली हर ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खबरों में एंड तक जरूर बने रहना, जिससे कि आपसे कोई भी काम की खबर मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महामारी के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि भारत में अभी तक 101,139 लोगों को महामारी का संक्रमण हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि 39,174 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। बात करें मरने वालों की तो मरने वालों की संख्या 3,163 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 48,94,278 लोगों का महामारी का संक्रमण हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर पर रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश के 14 शहरों में चलाएगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, सभी जगह बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें को चलाने के लिए वहां चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। जिन शहरों में स्पेशल पर्पल व्हीकल नहीं है, वहां नगर आयुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। SPB व कमेटी शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का काम करेंगी। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश के 14 शहर लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी में 700 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जानी हैं। शर्तों के आधार पर बसें चलाने से पहले इन शहरों में निकायों को चार्जिंग स्टेशन बनवा देना है, इसके बाद यहां बसें चलाई जाएंगी। नगर विकास विभाग ने पिछले दिनों मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी से यहां इस संबंध में बैठक कराई थी, इसमें सहमति बन गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इससे पहले आपसे कहना है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उमड़ी कामगारों की भीड़, पुलिस की अपील बेअसर। आपको बता दें कि दिल्ली में यूपी गेट पर मंगलवार को एक बार फिर प्रवासी कामगारों की भीड़ जुट गई। सभी लोगों को पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे रोक दिया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे करीब 2,000 से 3,000 लोग जुटे हैं। लोगों का लगातार पहुंचना अभी भी जारी है। इस दौरान यहां पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों का कहना है कि वे अपने गांव जाना चाहते हैं। दरअसल कई दिनों से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रवासी लोगों की भीड़ जुट रही है। पुलिस इन लोगों को बसों के जरिए शेल्टर होम ले जाएगी। इसके बाद इनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो जहां जाना चाहता है उसके गृह राज्य जाने वाली स्पेशल श्रमिक ट्रेनों में उन्हें बैठाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में कामगारों का पैदल पलायन जारी रहा। दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद यूपी गेट की ओर जाने वाले कामगार गाजीपुर डेयरी फार्म गोल चक्कर के पास फ्लाईओवर के नीचे जमा हो गए। इस दौरान लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करने की कोई सुध नहीं थी, इन्हें बस अपने घर जाने की धुन सवार थी। अधिकांश लोगों का कहना था कि करीब 2 महीने से कमरे का किराया बाकी रहने के कारण मकान मालिक किराया मांगने लगे थे। वहीं दुकानदारों ने भी उधार राशन देना बंद कर दिया था। राशन कार्ड ना होने के कारण राशन भी नहीं मिल पा रहा था। इधर दिल्ली और यूपी पुलिस भी अपनी अपनी सीमा पर इन्हें रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थी। पुलिस कर्मियों और खाना बांटने आए समाज सेवियों से सभी लोग घर पहुंचने की गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि आप बस गाड़ी की व्यवस्था कर दो, पैसे हम दे देंगे। वहीं इनके लिए खाना, पानी, बिस्किट, फल और जूस सहित सभी तरह के खाद्य सामग्री लेकर विभिन्न संगठनों के लोग लगातार पहुंच रहे थे। जो लोग रात में चलकर यहां पहुंचे थे वे थककर फ्लाईओवर के नीचे ही कपड़े बिछाकर परिवार सहित लेटे हुए थे। वहीं कुछ औरतें टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए परेशान थीं। काफी देर तक ये लोग इसी तरह इधर उधर घूमते रहे। दोपहर बाद पुलिस ने यहां उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों को अलग अलग लाइनें लगवाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने इन्हें शेल्टर होम पहुँचाने में सुबह से शाम कर दी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें कि राजधानी में DTC ने शुरू की बस सेवा, सिर्फ 20 यात्रियों को मिल सकेगा सफर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चौथे चरण के तहत DTC की बस सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इस दौरान बसों के चलते पहले और आखिरी स्टॉप के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। एक समय में सिर्फ 20 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। आदेश के मुताबिक यदि 20 सवारियों से अधिक किसी भी बस में यात्री चढ़ जाते हैं तो बस नहीं चलेगी। हर बस में 2 मार्शल भी तैनात किए गए हैं। 2 सीटों के बीच एक यात्री बस में बैठे, उसको लेकर सीटों पर निशानदेही भी कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अंतिम खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना की दवा को लेकर IIT दिल्ली ने दी खुशखबरी, अश्वगंधा से COVID-19 का इलाज संभव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया परेशान है,
वहीं भारत में इसके दवा को लेकर एक खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी IIT दिल्ली ने दी है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के प्राकृतिक औषधि अश्वगंधा से COVID-19 का इलाज हो सकता है। अश्वगंधा का रासायनिक पदार्थ COVID-19 को कोशिकाओं में विकसित होने से रोकने में कारगर हो सकता है। यह किस प्रकार से COVID-19 को विकसित होने की प्रक्रिया को रोक सकता है? प्रोफेसर डी सुंदर 15 वर्षों से अश्वगंधा पर जापान के इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं। 2 दिनों से इसके प्रकाशित होने की उम्मीद है। इस शोध को आगे बढ़ाते हुए अश्वगंधा से COVID-19 की दवाई बनाने की दिशा पर हम काम करेंगे। दोस्तों ये थी आज के मुख्य समाचार। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।